हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज की ट्रेडिंग सेशन में 7% से अबव का हमें रैली देखने को मिला है। दोस्तों इस स्टॉक ने अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों बात करें जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 500 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 1000 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका प्राइस हमें 5000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला और वहां से हमें गिरावट देखने को मिला, जिसके वजह से इसका प्राइस हमें 3000 के निचले स्तर पे आते हुए देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों उस समय भी आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। और आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 7% से अबव का रैली शो किया है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों बात करें इसका पिछले 1 मंथ के इसका प्राइस है ग्राफ का, तो पिछले 1 मंथ में ओनली हमें 2% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पिछले 6 मंथ के इसका प्राइस है ग्राफ का, तो पिछले 6 मंथ में यहाँ पर हमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में भी इस स्टॉक ने 18% से अबव का मुनाफा दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वही हम बात करेंगे पिछले 5 ईयर के इसका प्राइस ग्राफ का, तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने जबरदस्त तरीके से मुनाफा दिया है, 800% से अबव का मुनाफा, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका प्राइस ग्राफ भी देख के हमें समझना चाहिए स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और आगे भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बात करें सबसे अधिक दिनों के इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 11000% से अबव का हमें यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस हमें फिर से 4000 के क्रॉस करके काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। इसका Q4 का रिजल्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से इसमें हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ बालाजी अमाइंस लिमिटेड की रिगार्डिंग। दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हमें यहाँ पे 30% से अबव का हमें खरीदारी होते हुए देखने को मिला है, जो कि एबी फिगर अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं दोस्तों बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक हमें यहाँ पे 2400 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था पिछले साल, जो कि इसका हाई की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 5200 प्लस का हाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो Q4 में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट शो किया है, जिसके वजह से इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो 53% से अबव का होल्डिंग है, जो कि ये भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों हम बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और आगे भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर देख सकते हो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमें रिजर्वेशन सरप्लस का फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में रिजर्वेशन सरप्लस का फिगर देखने को मिला है। दोस्तों पिछले 5 ईयर का यहाँ पे फिगर है और पिछले 5 ईयर में एवरी ईयर काफ़ी इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे हमें फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पर एकदम से हमें 0 फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल 0 फिगर देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों स्टॉक 100% डेब्ट फ्री भी है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें इसका फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है इस साल, यानी कि पिछले साल के
पिछले साल के अकॉर्डिंग जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में फिक्स एसेट का फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। पिछले 5 ईयर का यहाँ पे फिगर है दोस्तों, और एवरी ईयर काफी इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे फिगर को देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी फिगर आप लोग के सामने में यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि 10,000+ का फिगर है। जो कि बात करें इसका सेक्टर के पीरिश्यू का दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 29 के अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरिश्यू से इस स्टॉक का पीरिश्यू हमें काफ़ी सिमिलर वे में देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इसका प्राइस है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों बात करिए अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में फिर से इसमें काफ़ी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्राफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे हमें रेवेन्यू का ग्राफ देखने को मिल रहा है, और इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें यहाँ पे रेवेन्यू का फिगर देखने को मिला है, यानी कि पिछली 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है, और एवरी ईयर जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें क्वार्टर फोर्थ में कंपनी ने कितना सेल्स का फिगर शो किया है, जो कि ए बी फिगर आप लोग के सामने में जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग है, डीआई की होल्डिंग है, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे हमें प्रमोटर का होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 53% से एफआई का होल्डिंग है, जो कि एफआई का होल्डिंग एंड यहाँ पे डीआई का होल्डिंग कोई खास है ही नहीं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग यहाँ पे 42% से एफआई का हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्ड तो दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डर रिटर्न भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक अभी तक काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है, और आगे भी इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसमें हमें खरीदारी करना चाहिए, हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस 4000 का हमें क्रॉस करके काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।